ऐसा सौभाग्य कम ही मिलता है जी जी, जब आप पहुंचो और गाय ब्याती मिल जाए जी। बिल्कुल आपकी गाय ब्यारी है, मैं भी थोड़ी देर पहले आया जी, और जी। आप कह रहे थे जी गाय ब्याने वाली है। बिल्कुल सर, ये तो ब्याह चुकी है जी। जी बिल्कुल सर। क्या बच्चा ले आई है जी? सर जी बछड़ा लेके आई जी। बछड़ा ले आई है? हाँ जी। गाय खूबसूरत है आपकी? जी बिल्कुल सर। और साथ में बछड़ा ले आई है? जी सर। ताजा ब्याही है? जी जी। कंप्लीट डिटेल इसकी भी लेंगे जी। जी बिल्कुल। बाकी का वीडियो तब तक शुरुआत कर लेते हैं जी सर, और साथ ही दर्शकों के साथ आपकी इंट्रोडक्शन भी करवा देते हैं जी सर। जसविंदर जी, भाई साहब जैसे देसी गाय की डिमांड है वैसे आपकी भी डिमांड बहुत है जी। बिल्कुल आपका सर। जैसे मैंने पिछला वीडियो लगाया जी सर, और दर्शकों के जबरदस्त भर भर के कमेंट आए जी सर, अच्छा काम करेंगे सर, कस्टमर कमेंट करेंगे। कितने टाइम से कहाँ थे जी सर? तो आप ये जो डिले करके वीडियो लेके आते हो जी, जी जी, ये दर्शकों को बहुत अखरता है। नहीं सर, आए तो बहुत डिमांड करते हैं। आपने भी कमेंट पढ़े होंगे जी? जी बिल्कुल पढ़ते हैं जी। हाँ। आए बुधवार वीडियो लगेगी अपनी जी। हाँ हाँ जी। तो दर्शक आपकी भी डिमांड में रहते हैं जी। बिल्कुल सर, आपसे रीजनेबल प्राइस में गाय मिल जाती है जी सर, उसका इंतजार करते हैं। बिल्कुल सर जी। उम्मीद करूंगा दर्शकों को आज का वीडियो भी उतना ही पसंद आएगा जैसा पिछले वीडियो में रिस्पॉन्स मिला है। वही रेट है जी, और सभी टॉप के जी हीरे हैं जी। टॉप के हीरे हैं जी। बिल्कुल सर। कंप्लीट डिटेल लेंगे जी। जी सर। कितनी गायें आज? आज की वीडियो में 6 गोमाता है जी। 6 गायें हैं जी सर। एक तो ये जी जैसी मैं आया जी, और ये ब्यागी थी जी। बिल्कुल सर। ठीक है जी, ये भी सौभाग्य से कम नहीं है जी। दर्शक जो देख रहे हैं उनके लिए भी सौभाग्य से कम नहीं है। बिल्कुल, गाय कितनी आसानी से बह जाती है जी जी, वो भी दर्शकों के सामने आया है। बिल्कुल सर। जो नए गोपालक है वो समझते हैं जी प्रेग्नेंट गाय ले जाएंगे जी, पता नहीं कैसे बच्चा देगी, कई क्या क्या परेशानी आएगी। कई कस्टमर बोलते हैं अभी प्रेग्नेंट गाय लेंगे कैसे ब्याती है जी, वो लाइव भी अपने वीडियो में दिखा दिया गया जी, देख दिया भी ऐसे गाय ब्याती है जी, कोई ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है जी, घबराने वाली बात नहीं कोई जी। अनजान से अनजान भी हाँ जी गाय के ब्याते समय उसकी सपोर्ट कर सकता है। बिल्कुल, वैसे तो देसी गाय अपने आप अपने ब्याह जाती है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। एचएफ का होता है जी, बच्चा बड़ा होता है। हाँ। इनका बच्चा छोटा ही होता है जी। हाँ। और इसको अपने तेल तूल दिया होता है, आराम से ब्याह जाती, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं पड़ती, कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ जी ठीक है जी, कंप्लीट डिटेल लेंगे जी आपसे इन सभी गायों के बारे में जी सर, साथ ही साथ इन गायों को चलाकर भी देखेंगे और आपसे कीमत भी जानेंगे जी। बिल्कुल, एक कीमत की रेंज बता दो जी आज क्या है? आज सर जी 1,20,000 वाली 65,000 में देंगे जी। 1,20,000 वाली 65,000 में देंगे, बहुत बड़ी गाय है जी। ठीक है जी जी। और रेंज मिनिमम साइड क्या है? ये मिनिमम रेंज आपकी 31,000 से स्टार्ट है जी। 31,000 तक 31,000 रुपीज जी। बिल्कुल सर, 31,000 से आज शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल सर, और लास्ट 65,000 तक जाएगी जी। जो आप कह रहे हो जी लाख वाली गाय जी। बिल्कुल सर। ठीक है, देख वो भी सर, बोलने वाली नहीं, रेटी में 1,20,000 वाली है जी। कस्टमर लोग बार वीडियो लगती है फील्ड में देखते होंगे। हाँ। लोग ऐसी गोमाता 1,20,000 मांगेंगे जी। हाँ। अपने सर 2,000 कमाना, वो बोल के कमाना है जी। ठीक है जी। हाँ जी, आपका यहाँ का एड्रेस शेयर कर दो जी। गांव अपना 18 जी। हाँ। डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर है, स्टेट राजस्थान है जी। गंगानगर से मात्र 8-10 किलोमीटर में अपना फार्म है जी। ठीक है जी। हाँ जी, गांव का नाम क्या है जी? 18 कर्णपुर रोड पर है जी। 18Z? हाँ जी सर। 18Z? जी बिल्कुल जी। ठीक है जी। रोड के ऊपर भी गुरुद्वारा है जी। हाँ। और अपने डेयरी फार्म के साथ भी गुरुद्वारा जी। कई बार फोन नहीं लगे। हाँ। कस्टमर को दिक्कत आए, कोई गाड़ी लेके आता हो। हाँ। तो उसको ये भी संदेश पूरा भी अपने दिख जाएगा जी, भी साथ में आके यहाँ डेयरी फार्म साथ में अपना लगा हुआ है जी। ठीक है जी। हाँ जी, कंप्लीट डिटेल लेंगे जी आपसे। जी बिल्कुल सर, देंगे। मोबाइल नंबर और शेयर कर दो जी। 6367-86-6973 जी। ठीक है जी, ये नंबर मैं स्क्रीन पर दे रहा हूँ। व्यूवर्स, आप इन नंबरों पर संपर्क करके पूरी जानकारी ले लें, या विजिट करके इन गायों की मिल्किंग देख परख सकते हैं। साथ ही इन गायों के अलावा भी और गायें हैं, वो भी देख पाएंगे जी। बिल्कुल सर। एक नंबर पे गाय है जी, इसकी डिटेल दे दो जी। सर जी, दूसरा ब्यांता है जी। बिल्कुल ठंडा सील स्वभाव है। जैसे मर्जी दूध निकालो, बच्चा निकाले लेडी निकाले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। न्याना लगाओ ना लगाओ, जैसे मर्जी दूध निकालो, प्योर रेड सिंधी है जी। प्योर रेड सिंधी है। हाँ जी। कौन से ब्यांत की जी? दूसरा ब्यांत है जी। हाँ। जो रेड सिंधी की निशानी होती है जी, आंखों में काजल। हाँ। और कानों में काजल, सींगों में काजल, और पैरों में काजल, और थन जो होते चीकू के इंसान, वैसे पूरी रेड सिंधी, पीछे से भी पूरी रेड सिंधी की शेप है जी। बोलने वाली नहीं है, ही रेड सिंधी है जी। हाँ जी ठीक है जी, कंप्लीट डिटेल लिए जी आपसे। दूध क्षमता के बारे में और जानकारी दे देगी जी। 15-16 किलो जी। 15-16 किलो निकाल देगी। 12 किलो तैयार है जी, पीछे बछड़ा है। हाँ। आज ब्याई को हो गए 4 दिन, नाड़ुआ साथ में बच्चे का, वो भी दिखा देते हैं जी। हाँ। कई भाई बोलते हैं कि ज्यादा दिन की हो गई, ज्यादा दिन की, ये नाड़ुआ साथ में बच्चे के जी। ये नाड़ुआ साथ में है जी, 4 दिन की हुई है जी ब्याई हुई। ठीक है जी। हाँ जी, कीमत आप इसके लिए क्या रखोगे जी? इसकी 51,000 रुपया जी। 500 किलोमीटर ट्रांसफर फ्री है जी। 51,000 रुपये के अंदर ही? हाँ जी, लास्ट फाइनल प्राइस आपका 51,000 है, इसके अंदर ही ट्रांसपोर्ट का चार्ज फ्री है जी। 500 किलोमीटर 500 किलोमीटर का फ्री है ट्रांसपोर्ट जी। बिल्कुल सर। ठीक है जी, 2 नंबर पर गाय है जी, इसकी और नस्ल शेयर कर दो जी। सर जी, राठी नस्ल की है, राठी ब्रिड, ठंडा बिल्कुल स्वभाव है। हाँ। जैसे मर्जी दारे मार लो, यहीं बैठ के यहीं मार लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं जी। बिल्कुल शांत, दूसरी बार बच्चा दिया जी। दूसरी बार? हाँ जी।
बच्चा क्या ले आई जी? बछड़ा लेके आई है जी। मेल काफ है? हाँ जी। गाय खुद अष्टपुष्ट है जी? जी बिल्कुल, बहुत ठंडा सील स्वभाव है। हाँ। बहुत ही शुद्ध बिल्कुल प्योर राठी नस्ल की गाय है जी। प्योर राठी ब्रीड की गाय है जी। भाई साहब हाथ फेर कर दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ आप अडर क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं। अडर काफी खूबसूरत है। कौन सी ब्यांत की बताई जी? दूसरे ब्यांत की जी। दूसरे ब्यांत में जी बिल्कुल सर। ब्याई भी कितने दिन की होगी? ब्याई को आज होगी जी 12 से 13 दिन। 12-13 दिन? हाँ जी। 15 दिन से कम की ब्याई भी? बिल्कुल सर। वैसे 15 दिन के अंदर तो जी दूध तैयार हो जाता है गाय का? वैसे तो 20 दिन में होता है जी, अपने 15 दिन में मान लो जी आप। हाँ हाँ जी। कितने दूध पे आ गई जी? अभी 13 किलो तैयार है जी। 13 किलो तैयार है? हाँ जी। बढ़ेगी जी और? हाँ उम्मीद है जी, 15-16 किलो देगी खुला जी। 15-16 किलो गाय बहुत बड़ी है जी। हाँ हाँ जी ठीक है जी। साथ में बछड़ा है जी? बिल्कुल बछड़ा ही, बहुत राठी नस्ल का बछड़ा जी। ठीक है जी। हाँ जी। कीमत इसके लिए क्या रखी है? कीमत इसकी 48,000 में 500 किलोमीटर ट्रांसफर फ्री है जी। 48,000 रुपीज जी सर। 48,000 रुपए में ट्रांसपोर्ट फ्री है, 500 किलोमीटर तक फ्री, 500 किलोमीटर तक जी सर। ठीक है जी भाई साहब। 3 नंबर पर गाय है, इसकी और नस्ल बता दो जी। ये सर जी गिर और साहिवाल का क्रॉस है जी। गिर और साहिवाल में क्रॉस जी सर। बहुत बड़ी गाय है जी। हाँ जी। बोल ठंडा सील स्वभाव है। अभी सर जी 7 महीने की प्रेग्नेंट है। हाँ। और 3-3 लीटर दूध दे रही है जी। हम्प बहुत बड़ा है जी इसमें? जी बिल्कुल सर। ठीक है, 3-3 लीटर दूध निकाल रहे हो? हाँ जी, 6 लीटर दोनों टाइम का दूध निकाल रहे हैं। अभी ड्राई कर रहे हैं जी, थोड़े थोड़े दिन में जैसे ड्राई करना चालू कर दें, 15-20 दिन में ड्राई हो जाएगी बिल्कुल। अच्छा हाँ जी। कितना दूध निकाला हुआ जी इस ब्यांत में? पिछले ब्यांत में इसने 16 किलो निकाला जी। 16 किलो इस बार 18 से 20 किलो खुला दूध देगी जी। अब की बार 18-20 लीटर दूध की उम्मीद कर रहे हो? बिल्कुल सर जी, रिश्तेदारी से आई है जी। हाँ। बहुत बड़ी गाय, फुल गारंटी के साथ आई हुई है जी। हाँ। बहुत शांत, जैसे मर्जी हाथ फेरते रहो, जैसे मर्जी ऐसे कोई लात मार दे या कुछ भी है, अपनी सारी गौ माता ठंडी है बिल्कुल जी। हाँ जी, स्वभाव की ठंडी है जी बिल्कुल सर। ठीक है जी। तो लास्ट फाइनल 18-20 लीटर तक दूध क्षमता खुला आराम से जी। तो अभी दूध दे रही है, ये दूध भी चेक कर सकते हैं जी? बिल्कुल सर, 2 टाइम थनों की पूरी गारंटी जी, थन देख के लेके जाएं, दूध निकाल के लेके जाएं जी। हाँ हाँ जी, तो थन तो चेक हो ही जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे जी। मोटा मोटा कितना टाइम माने जी, कितना टाइम और ले लेंगे? 7 महीने की प्रेग्नेंट है जी। 7 महीने की, तो 2 महीने मान लो? हाँ जी, 2-2.5 महीने मान के चलो जी। हाँ, तो 2 महीने की चराई नीचे हो जाता है जी। 2 महीने की चराई करें तो और अच्छी हष्टपुष्ट हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी काफी हेल्दी है। बिल्कुल सर, हेल्दी है जी। साथ ही स्वभाव ठंडा है बिल्कुल जी। अपनी सभी गौ माता का बिल्कुल ठंडा सील स्वभाव है, जैसे मर्जी नीचे लौटते रहो जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं जी। ठीक है जी। क्या कीमत रहेगी जी? 65,000 रुपये जी। 65,000 जी बिल्कुल सर। 65,000 रुपये जी। ठीक है जी। कोई मोल भाव की और गुंजाइश है जी? मौके पर मान सम्मान है जी, बाकी ट्रांसपोर्ट फ्री है जी, 500 किलोमीटर तक वो बताई रखा है जी। ट्रांसपोर्ट 500 किलोमीटर का फ्री है, बाकी मौके पर देखो क्या मान सम्मान मौके पर है, कस्टमर लगने पर है जी। ठीक है जी भाई साहब। हाँ जी। अगली गाय और देख लेते हैं जी आपकी। तो ये गाय 4 नंबर पर है जी। जी सर जी, इसकी भी डिटेल शेयर कर दो जी। सर जी पहला ही ब्यांत है। हाँ। मुंह से 2 दांत होगी या 4 दांत होगी जी? हाँ जी, मुंह से 2 दांत और पहला ब्यांत। पहला ब्यांत है जी। हाँ। और बच्चा देने में पड़े हैं जी इसके 5-6। ये पैरों पे रस्सी इसी वजह से बंधी हुई है? इसी रस्सी से 5-6 दिन बच्चा देने में बाकी पड़े हैं जी। अच्छा, बिल्कुल ठंडा सील स्वभाव है। हाँ। जैसे मर्जी कोई नीचे बैठ जाए, दूध निकाल ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रेग्नेंट के नीचे बैठ जाए, ऐसे नहीं कोई लात मार जाएगी। हाँ जी, प्योर साहिवाल शुद्ध नस्ल की है जी। साहिवाल है? हाँ जी। और इसके S33 का सीमेंट गारंटी शुद्ध है जी। S33 का सीमेंट? बछड़ा लेके आए, बछड़ी लेके प्योर क्वालिटी में लेके आए जी, फुल गारंटी है जी। क्रॉस वाला बच्चा लेके आ जाए तो वो अपने गाय वापस, पैसा वापस। हाँ जी, मतलब क्रॉस का बच्चा नहीं लेके आई? क्रॉस का बच्चा नहीं, अपनी कोई को मतलब क्रॉस की लेके, सभी देख लो, ये भी ब्याई है। हाँ। प्योर देसी बच्चा लेके आई जी। हाँ, ये तो सामने ही ब्याई है जी, क्योंकि अपने ब्रीडिंग वाले ही कस्टमर से लेते हैं, जो अच्छे नस्ल पर ब्रीडिंग कर रहे हैं। हाँ। उनसे लेते हैं, अभी कल को जाके बच्चे को कोई दिक्कत ना आए। हाँ। भी अच्छा बच्चा होगा तो अगला कस्टमर भी पैसा लगा रहा है, अच्छा उसके पर नंदी तैयार हो जाए, गौ माता कोई भी अच्छी तैयार हो उसके घर पर जाके जी। इसलिए जी, क्या दूध उम्मीद करें इससे पहले? पहले ब्यांत में 10 से 12 किलो दूध देगी जी। 10-12 किलो जी बिल्कुल सर। ठीक है, 10 लीटर अच्छी दूध क्षमता रहती है जी पहले ब्यांत में? बिल्कुल सर। बोलने को 16 बोल दे, 18 बोल दे, क्या फायदा बोलने, झूठ मारने वाला काम नहीं है जी। देखो जी, दूध बाल्टी में निकलना चाहिए, बाल्टी में नापा जाना चाहिए। नापा जाना चाहिए, मुंह से बोलने से 12-15-16-18 से 25 किलो बोल दे, वो निकालेगी नहीं, क्या फायदा? कस्टमर गाली निकालता रहेगा घर पर बैठे कि जसिंदर भाई झूठ मारा, झूठ मारने वाला अपना काम नहीं है जी। ऐसे दूध नहीं निकाले, कस्टमर जरूर गाली निकालेगा जी। उसे बोलने का, क्योंकि कस्टमर ने अपने पर विश्वास करना है जी, पीछे ना तो कस्टमर को जानता ना गोमाता को, वो तो अपने जो अपने बोल दिया उस पर उसने क्लियरिटी करनी भी, जसविंदर भाई ने ये बात बोली है, ये बोली थी। हाँ, पूरी नहीं हुई, पूरी नहीं हुई वो बात। हाँ। है जी, तुष्ट नहीं होता कस्टमर। हाँ। क्योंकि इसलिए मैं कहता हूँ कस्टमर संतुष्ट होना चाहिए जी, उसके बाद चीज अच्छी चली जाए और अपना नाम जपना चाहिए, जसविंदर भाई ने एक नगीना भेजा जी। अच्छा नगीना भेजा है। क्या कीमत रहेगी जी? कीमत इसकी 41,000 रुपये। 41,000 जी बिल्कुल। 41,000 रुपये जी। ठीक है जी। और जो ये अभी गाय ब्याई थी जी, इसकी और डिटेल शेयर कर दो जी। जी बिल्कुल सर। ये कौन से ब्यांत में है? दूसरे ब्यांत में है जी। हाँ, अभी आपके सामने ब्याई तो ये अभी सामने ही है, ये तो पूछने की जरूरत नहीं है। अडर देखिए जी, बहुत ही सुंदर तैयार किया है जी। हाँ। बहुत ही थनों में गैप देखिए, कितना सुंदर है, बिल्कुल ठंडा सील स्वभाव है इसका भी। हाँ, बहुत शांत स्वभाव किया जी। हाँ, अभी ताजा ब्याई है। हाँ जी, थोड़े टाइम पहले ही बच्चे को जन्म, बस अभी 2-4 मिनट ही हुए हैं जी, वीडियो के अंदर ही ब्याई है अपनी। हाँ, 2-4 मिनट ही हुए ब्याते हुए बस। हाँ हाँ जी, 2-4 मिनट पहले ही ब्याई है जी। क्या दूध क्षमता उम्मीद करें? दूध ये भी 14 से 15 किलो देगी।
ब्यांत कौन सा है इसका? दूसरा ब्यांत है जी। दूसरा ब्यांत है जी, बिल्कुल सर। ठीक है जी। और बछड़ा ले आइए। बछड़ा ले आइए जी। ठीक है जी। नंदी महाराज है जी, शिवजी भगवान का जी। नंदी महाराज जी, बिल्कुल सर। क्योंकि नंदी महाराज कौन सा बुरे होते हैं जी, अच्छे होते हैं जी। कोई अच्छे नंदी तैयार होंगे तो आगे जाके गौ माता तैयार होगी जी। अच्छे तो हम इंसान है जी, जो इनकी कदर नहीं करते। बिल्कुल सर। कमी तो हमारे अंदर, हमारे अंदर है जी, इनमें कोई कमी नहीं, इनमें कोई कमी नहीं। ये तो बोले जानवर है जी। हाँ। जैसे इनको सेट करेंगे वैसे हो जाएगी जी, क्योंकि इनको लाठी लालच के ऊपर है जी। इनको जो लाठी देंगे आगे जाके अपने को भगवान लाठी देगा जी। हाँ। जिनकी सेवा करेंगे हाँ। तो भगवान जाके स्वर्ग देगा जी, नहीं तो नरक तय ही है जी। हाँ जी, हम लालच से बंधे हुए जी, इसलिए हम बछड़ी ढूंढते हैं। बिल्कुल सर, वो बात है जी। लेडी से कोई लड़का पालता है वो गौ माता से बछड़ी पालता है। भाई तेरे को वहाँ लड़का चाहिए तो यहाँ बछड़ी से तेरे को क्या दिक्कत है, एलर्जी है? हाँ जी, तो या तो वहाँ भी लड़की बेटी मांगे। हाँ। या तो वहाँ भी बेटी मांगे, तो यहाँ भी बेटी मांगो, यहाँ भी बेटी मांगो जी। वो बात है, तब वो होना चाहिए। हाँ जी। हाँ। भी भेदभाव नहीं करना चाहिए जी, भी अच्छे नंदी तैयार कर लोगे क्या दिक्कत है जी, आगे जाके अगले बार बछड़ी दे देगी जी। अच्छे नंदी तैयार हो गए, सीमन करवाओगे, आपकी अच्छी बात है जी। हाँ जी, अंडर क्वालिटी बहुत शानदार है जी इस गाय की जी। सर, क्या दूध क्षमता लास्ट उम्मीद करें जिससे? 14 से 15 किलो खुला जी। 14-15? हाँ जी। अभी तो खीस से खाली हुई भी नहीं, अभी ताजे तो अभी बच्चा दिया जी, अभी तो बच्चे को भी नहीं पिलाया जी। अभी बच्चे को भी नहीं पिलाया। हाँ जी, बच्चे को 1-2 घंटे बाद थोड़ी सी जेर जूर पड़ जे। हाँ। उसके बाद पिलाएंगे जी, बच्चे को भी पिलाएंगे। हाँ जी, क्या कीमत रहेगी जिस कीमत इसकी? सर जी, 43,000 में 500 किलोमीटर ट्रांसफर फ्री है। 43,000 रुपीज जी सर। और ट्रांसपोर्ट 500 किलोमीटर का जी सर फ्री रहेगा इस गाय में? बिल्कुल सर। ठीक है जी, अगली गाय और है जी, इसकी और नस्ल बता दो। ये सर जी गदरी राठी चोलिस्तानी। गदरी राठी चोलिस्तानी बहुत ही टॉप का नगीन है जी। जैसे ये कौन से ब्यांत में है जी? दूसरा ब्यांत है जी। दूसरा ब्यांत, जैसे मर्जी नीचे बैठ जाओ जी। हाँ। जैसे मर्जी, जैसे ऐसे धक्का मारोगे जाएगी नहीं जी, जाएगी ऐसे यहाँ रोक के। हाँ। और यहाँ बैठ जाओ। हाँ। ऐसे नहीं कोई लात मार जाएगी या कुछ है जी। बेशक 2 लीटर दूध कम दे दे, पर गौ माता ठंडी लेनी चाहिए, भी बच्चे घर पर जाके बूढ़े दूध निकलवा तो ले, निकलवा ले, कम दे ज्यादा दे, दूध निकलवा ले, लेकिन निकलवाए जरूर से। निकलवाए नहीं तो ज्यादा दूध का क्या करेंगे जी? 30 किलो भी कम है जी, फिर तो कम ही है वो, तो धरती माता को है जी। हाँ, बाल्टी में तो मिलेगी जी। जाना एक बाल्टी ले आए तो दूध मत निकाले जी, जहाँ बच्चे निकाले। हाँ जी, बाल्टी नीचे रखे और थोड़ी देर बाद पड़ोसी के घर पे मिले। ऐसी गौ माता के नीचे बैठे हो सर जी और दूध निकालते छोड़ के चले जाओ, चाय में दूध डाल के आ जाओ, फिर आके निकालो, ऐसी गौ माता लात थोड़ी मारेगी जी। लात थोड़ी मारेगी ऐसी, तो बिल्कुल ठंडी छांव स्वभाव है ऐसी गौ माता घर पे रखने वाली है जी। हाँ। देखिए गलकंबल देखिए कितना सुंदर है। आप पुलिस की बेटी और बता रहे थे जी एक साथ में। हाँ जी, बेटी इसकी, बेटा लेके ना अंदर से, इसकी बछड़ी भी साथ में है जी। हाँ, कंप्लीट डिटेल दे दीजिए इस गाय की। दूसरा ब्यांत है जी। हाँ। पिछली बार में इसने दिया 13 किलो दूध जी। 13 किलो? हाँ जी। इस बार दे देगी 15 किलो दूध खुला जी। प्रेग्नेंट है? हाँ जी, प्रेग्नेंट है जी। कितना टाइम ले लेगी? अभी 7.5 महीने की प्रेग्नेंट है जी। 7.5 महीने की? हाँ जी। ठीक है जी, लगभग 1.5-2 महीने और ब्याने में बचे, खुले खुले आराम से जी। ठीक है, भाई गाड़ी से उतरती चेक करवा ले। हाँ। फिर जाके गाड़ी वाले को रवाना करें। ठीक है जी। कीमत क्या रहेगी जी इसकी? कीमत सर जी, जो बछड़ी के साथ लेगा तो 41,000 रुपया जी। 41,000 रुपये। बिना बछड़ी लेगे तो 31,000 में 500 किलोमीटर ट्रांसफर। बछड़ी तो माँ से भी ज्यादा? बिल्कुल सर, प्योर क्वालिटी है जी, प्योर चोलिस्तानी जिसको बोलते हैं। आगे सीमन भी इसके चोलिस्तानी का है जी। मैं वही बात बोल रहा हूँ, अपनी जो गौ माता देसी बच्चा ही लेके आएगी, कोई भी ब्याएगी ना, देसी गौ माता ही बच्चा लेके आएगी, ऐसे नहीं कोई क्रॉस वाला लेगी, क्योंकि अपने क्रॉस वाला तो काम करते नहीं जी। बछड़ी बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल सर, प्योर चोलिस्तानी। अभी इसके नीचे जैसे मर्जी हाथ फेरते रहो, माँ से बिल्कुल ठंडी, देखो जैसे मर्जी हाथ फेरते रहो, बिल्कुल शांत है जी। हाँ जी, ठीक है जी भाई साहब। कीमत आपने बताई जी 31,000 रुपए सिर्फ गाय के लिए। गाय के लिए जी, अगर अकेली गाय ले तो? हाँ जी। और अगर ये बछड़ी साथ में ले तो जी? 41,000 रुपया जी। 41,000, 500 किलोमीटर ट्रांसफर फ्री है जी। हाँ। वैसे मैंने बछड़ी बेचने का कोई निर्णय नहीं जी अपना। हाँ। अपने तो शौक के लिए रखी है जी। अच्छा। खुली फिरेगी डेयरी के अंदर, जैसे अंदर फिर रही थी दाना खा रही थी वैसे खुली फिरेगी जी। शौक का ये कोई मोल नहीं होता जी। तो अगर कोई अकेली बछड़ी लेना चाहे तब जी? बछड़ी अकेली नहीं देंगे जी, अकेली नहीं देंगे, गाय साथ में देंगे। हाँ, गाय साथ में देंगे। हाँ। नहीं तो घर पर ही रखेंगे, अकेली गाय दे सकते हैं जी। अकेली गाय दे सकते हैं जी सर, बिल्कुल। ठीक है जी भाई। हाँ जी, शानदार गाय दिखाई जी। जी सर, और जैसी उम्मीद थी वैसी निकल के आई है। बिल्कुल सर, उम्मीद करता हूँ दर्शकों को भी पसंद आएगी, आपका बहुत इंतजार करते हैं जी। जी बिल्कुल सर, प्यार करते हैं जी, प्यार करते हैं। हाँ जी, उनके प्यार से करनी हम तुरे फिर रहे हैं जी, वो प्यार देते हैं तो अगली वीडियो का इंतजार रहता है जी उनको, जो प्यार नहीं करेंगे। वैसे कस्टमर इतनी बेनती है जी भी, कस्टमर भी वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, गौ माता कैसी लगी है जी, गौ माता जोड़ के बेनती है जी। बहुत शानदार। हाँ जी, उम्मीद करूंगा दर्शकों को सभी गायें पसंद आई होगी। बिल्कुल सर, गिर बहुत शानदार खूबसूरत है जी आपकी, जो साहिवाल मिक्स में जी सर, उस पे तो सर ब्रीडिंग वाला जी, गिर का करे तो गिर ब्रीडिंग कर ले। हाँ। साहिवाल पर करना चाहो साहिवाल कर ले जी, ठीक, दोनों ऑप्शन है उस पर तो जी, दोनों ऑप्शन। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जसविंदर भाई साहब आपका अच्छी गाय दिखाने के लिए। राम राम जी। राम राम जी। जय गौ माता, जय गोपाल।